तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट दाल पिट्ठी मूंग दाल से। तो चलिए बनाते हैं दाल पिट्ठी। सबसे पहले हम दाल बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दाल बनाना। सबसे पहले एक कटोरी धुली हुई मूंग दाल लिए हैं, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिए, 1 गट्ठर धनिया कटा हुआ लिए हैं, 2 बड़े बड़े टमाटर कटा लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 इंच अदरक घिसा हुआ। तड़का के लिए हमने सरसों, 2 सूखी मिर्च, दालचीनी, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर लेंगे, जिसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। इसमें फिर डालेंगे धुली हुई मूंग दाल, फिर डालेंगे दालचीनी, तेज पत्ते, 10 बूंद तेल, 1 हल्दी, 1 नमक, 1 कुकर बंद कर देंगे, गैस पे डालेंगे कुकर को, इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा दाल पक गया है। अब देखते हैं कि दाल कैसा है। ये देखिए दोस्तों, पकने के बाद दाल ऐसा है। आटा लेंगे, गेहूं का आटा लेंगे, जिसमें डालेंगे मंगरेल, 1 चम्मच घी, 1 नमक स्वाद अनुसार। अब इस आटा का हम डो बना के तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम डो बना लिए हैं। फिर इसे हम छोटे छोटे आकार में बेल लेंगे और इसे चारों तरफ पकड़ के ऐसे ही बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हमारा जो भी बचा हुआ पिट्ठी है उसको ऐसे ही एक एक करके सारा बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा दाल पिट्ठी का पिट्ठी बनके तैयार हो गया है। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाही गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद डालेंगे जीरा, 4 सूखी मिर्च, 1 अदरक घिसा हुआ, 1 कड़ी पत्ते, ये सब मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 3 मिनट में फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में लगभग 3 मिनट लग गया है। ये देखिए दोस्तों, टमाटर फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे जो भी हमारा मसाला है, धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, इस सबको अच्छी तरह मिला देंगे मसाले में। दोस्तों, ये टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक यह पूरी तरह पक ना जाए। इसे
उसे बार बार चलाते रहेंगे ताकि जले ना। ये देखिए दोस्तों, हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो हमारा पका हुआ दाल उसमें डाल देंगे। दोस्तों दाल हमारा अब खौलने लगा है, इसे अच्छी तरह चला देंगे। अब आटा से जो बनाए थे हमने दल पिट्ठी, उस पिट्ठी को डाल देंगे एक एक करके। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है फ्लावर जैसा। ऐसे ही करके हम एक एक सारा डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे। ढक के पकाएंगे इसे 5 मिनट। 5 मिनट हो गया, चलिए देखते हैं कैसा है। ये देखिए दोस्तों हमारा दल पिट्ठी अब ऐसा है। इसमें डालेंगे तड़का। तड़का डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों पूरे दल पिट्ठी में तड़का मिला दिए हैं। अब हमारा दल पिट्ठी देखिए कितना स्वादिष्ट बना है। इसके ऊपर अब हम धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों अब इसे हम कढ़ाई में सर्व करेंगे। कितना सुंदर लग रहा है दल पिट्ठी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।